फ्रेंड्स, तो ये मेरा पहला व्लॉग है, मैं चालू करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं मतलब चुप हो गया, क्या ही बोलूँ करके समझ में नहीं आ रहा। देखता तो हूँ व्लॉगिंग, तो देखने में और बोलने में, करने में और देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो चलो, वही डर को मिटाने के लिए मैं कैमरा के सामने आ गया हूँ। तो मैं ये जो व्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मेरे लिए। आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। आज का जो व्लॉग है, मैं टाइटनाइट प्लस में जॉब करता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अली है, और मेरा व्लॉगिंग का जो चैनल का जो नेम है, माई ड्रीम व्लॉग्स। ठीक है, मेरा सपना था, मतलब मेरा ड्रीम ही है यूट्यूब में व्लॉग बनाने का, तो वो मैं बना रहा हूँ। आप लोग देखते रहिए। चश्मा, हम जो चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा एक्चुअली रेडी होता कैसे है, तो मैं वही दिखाने वाला हूँ आपको। तो आप देखते रहिए और वीडियो का मजा लीजिए, कहीं कुछ गलती हुआ तो आप बताइए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो। कर लिया, एक्सिस के बराबर होना चाहिए। एक हाई पावर लेंसेस है, इसीलिए ऐसा मोटा सिलेंड्रिकल पावर जो है ना, साइड में मोटा रहता है एंड थिकने बीच में। सो चलिए इसको दिखाते हैं। जो मैं पहले इसका हाफ पेयर फिटिंग कर चुका था, तो उसको ओपन कर लेते हैं। मतलब ये आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दिखाएंगे फिर बाद में। तो इसको मैंने ओपन कर लिया, अब लेंसेस को ओपन कर लेते हैं। पूरा ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसको लेंस को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको नया लेंसेज जब डालेंगे तब दिखाएंगे। तो इसको इसी तरह ओपन कर लिया, तो इसको अभी ओपन कर लिया हम लोगों ने। देन ये लेफ्ट आई डीएमई को मैंने लगा दिया है, देन इसको लॉक कर देना है, इसी तरह लॉक कर देना है। एक छोटा सा बटन आता है उसका, उसी तरह लॉक कर देना है। आप देख सकते हैं लॉक हो गया है। तो अभी चलते हैं लेंस के। ये जो लेंस है, आप देख सकते हैं इसकी ये ब्लॉकिंग, इसके ऊपर एक छोटा सा होल है, डॉट है, इसको हमेशा ऊपर रखना है मशीन में। तो इस तरह डाल के इस तरह इसको लॉक कर दिया। अब इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लेफ़्ट का लेंस मैं आपको बताया, तो इसको लेफ़्ट में चालू करते हैं। अब देख सकते हैं इसमें पानी आ गया, तो ये पानी से ही कटिंग होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक सीआर लेंसेस है ना, तो इसमें पानी ज़रूरत होता है, तो ये पानी से ही कटिंग होगा। तो आप देख सकते हैं ये कैसे कटिंग हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब मशीन चालू हो गया, ये कटिंग हो रहा है। साइड में जो इसका डेमी है, उसी के हिसाब से हो रहा है, जो हमने डेमी लगाया था उसके हिसाब से होगा ये। ये जो हमने डेमी लगाया था, ये डेमी भी घूम रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से ये फिटिंग और मतलब कटिंग हो जाएगा। तो देन उसके बाद उसको निकाल के फिर हम लोग फिटिंग कर सकते हैं। ये ग्रूविंग हो रहा है, क्योंकि फुल फ्रेम है, फुल फ्रेम का जो ग्रूविंग अलग होता है। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, धीरे धीरे बताऊंगा फुल फ्रेम हाफ फ्रेम क्या है सब। तो इसी तरह होता है जो ग्लासेस होता है फिटिंग। ये एक मशीन है एक तरह का, और एक तरह का मशीन आता है अलग। और ये होने के बाद पूरा ऑटोमेटिक उठ जाएगा, इसको ना कुछ टच करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे यदि जैसे कि हो गया है, ये ऑटोमेटिक हो गया, बस इस मतलब इसको निकालने के लिए लेंसेस को, तब उसको मतलब स्विच जो बटन का यूज़ करना पड़ेगा। तभी भी ये व्हील घूम रहा है, बंद हो चुका है मशीन, बंद हो चुका है, व्हील घूम रहा है। थोड़ी देर घूमने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पानी मार लेते हैं, क्योंकि जो डस्ट लगा रहेगा ना, तो थोड़ा देखिए, जैसे मैं उसको खोल दिया हूँ, अब उसको निकाल लेना है। उसको निकाल लिया मैंने,